बेहतरीन ड्राइव करके झारखंड से राजस्थान गाड़ी पहुंचा दिया। 2000 किलोमीटर गाड़ी चली भाई। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है मेरे और एक नए ब्लॉग में। तो आज अपन जयपुर के लिए निकले हैं। गाड़ी जो था वो कल रात को नहीं आई तो अभी आई है। जयपुर के लिए निकल चुके हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं मथुरा। तो चलते हैं आगे, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, रोड सफर होगा अपना। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं मथुरा वृंदावन। अभी हम मथुरा में है और हम मथुरा से बाय रोड जयपुर जा रहे हैं दोस्तों। लिफ्ट चाहिए का मैडम? मेरे को लगा हवलदार है क्या, कुछ हवलदार ही है कि कुछ और है? रेड कर रहा है स्टूडेंट से, होमगार्ड वाले। होमगार्ड वाले ना। तो दोस्तों अपन पहली बार यहाँ पे आए हैं, ऐसे तो दिल्ली भी पहली बार आए थे, जहाँ भी जा रहे हैं पहली बार ही जा रहे हैं। इसके कारण मुझे मैप का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी तो यहाँ पे रुके हुए हैं, चलते आगे। तो दोस्तों मथुरा जो है वो पार कर चुके हैं, अब जयपुर जो है एंट्री करने वाले हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नींद पूरा हुआ तुम्हारा? मेरा नींद तो पूरा नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन सोने की कोशिश कर रहा लेकिन सो नहीं पा रहा हूँ यार। हालत बहुत बुरा हो रखी। वो सो जा कोई नहीं। ठीक है दोस्त, मैं सोने जा रहा हूँ। ज्यादा टेंशन मत ले, सो जा। क्या चल रही है ये? कलश यात्रा भाई। कलश यात्रा चल रही है। ठेकड़ा दोस्तों, देखो हम लोग तो पहुंच चुके हैं राजस्थान फाइनली, और हमारी मंजिल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की खूबसूरत वादियाँ देखो यार, कितनी खूबसूरत है, पूरी कहर ढा दिया है यहाँ पे। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाने जा रहा हूँ। अभी हम आंधी पहुँचे भैया, देख लो बोर्ड पे आंधी लिखा आ रहा है, देख लिया आपने? अब हम लोग पहुँचने वाले हैं तूफानगढ़। ये क्या आंधीगढ़, उसका तूफानगढ़ भी होती है क्या? हाँ जी भाई, यहाँ का गाड़ियाँ देखो यार कितनी खूबसूरत है। वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना जा रहा हूँ भाई, ये जो भी कर रहे हैं। अब हम भवानी पहुँच गए भाई, पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल पे, अपना ड्राइवर राज भैया के साथ। हाय। तो राज भैया को देख सकते हैं आप, कितनी बेहतरीन ड्राइव करके झारखंड से राजस्थान गाड़ी पहुँचा दिया। 2000 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई टोटल, और ये हमने 28 घंटे में दूरी तय किया है अपना राज भाई की मदद से। हम लोग जा रहे हैं कस्टमर को गाड़ी डिलीवर करने। पता नहीं ऑर्डर आया राजस्थान का, अब कब आएगा नहीं आएगा यार भाई। अभी ट्रक आ रही है, फुल लोडेड ट्रक। मैं मंदिर देखो यार, कितनी खूबसूरत जगह पर मंदिर है। कितना देना? कितना भाई? देश में ज्यादा लगेंगे। कितना? देश में ज्यादा लगेंगे। कितने लगेंगे? सो फाइनली दोस्तों गाड़ी तो डिलीवर हो चुका है। अभी ओनर जो है गाड़ी का, उसी का ऑफिस में हम लोग बैठे हुए हैं। ओनर अभी लेके गया है गाड़ी को धोने के लिए। गाड़ी वॉश होके आएगी यहाँ पे, उसके बाद आपको फुटेज दिखाते कुछ। गड्डी आ गई है वॉश होके, बालाजी ऑटर। गड्डी का जो मालिक है वो अंदर बैठा है।
तो गाड़ी डिलीवर देने के बाद थोड़ा सा लेट हो गया था दोस्तों, क्योंकि मैं बस में सो गया था, इसके कारण नहीं कर पाया। तभी मैं जयपुर आ चुका हूँ, रेगिस्तान तो नहीं जा पाया क्योंकि वहाँ से बहुत ही दूर पड़ गया था और उतना बजट में नहीं आता। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं, कुंदन के जो जीजा जी है उसके यहाँ पे आए हैं। ये जयपुर मार्केट है, यहीं पे अभी घूमेंगे। आज भर यहीं रहना है, कल जो है हमको घर जाना है। चलते हैं यहाँ पर, उसे घूम लेते हैं उसके बाद घर चले। यहाँ देख सकते हैं चिकन कैसे फ्राई करके टंगा हुआ है। अभी अपन घुस रहे हैं सब्जी मंडी जयपुर का, चलते हैं यहाँ का ब्लॉगिंग भी कर ही लेते हैं। बहुत ही बड़ा सब्जी मंडी है यहाँ का। ये जो संजय है ना, बहुत ही बेधा किस्म का इंसान है। जहाँ लड़की देखता है ना, वहाँ डोर डाल देता है। अभी जैसे कि एक सब्जी मंडी पे, वहाँ पे एक लड़की थी, इसके कारण वो बोला कि वहाँ पे वीडियो करो वहाँ पे। और सब्जी मंडी वाले भैया को बोला कि भैया हाय कर दो। अब चलते हैं रूम की ओर, क्योंकि अब नाश्ता वास्ता हो गया, सुबह से कुछ खाए नहीं थे, अभी खा लिए हैं। अब तो रूम में रेस्ट किया जाए, क्योंकि अभी भी नींद मेरा जो है पूरा नहीं हुई है। वो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लड़कियाँ किस प्रकार काम कर रही हैं। देखते अभी तो मैं ट्रेन में हूँ, ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ।